तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म जिसका नाम है लक्ष्मी बॉम्ब, फिल्म को डायरेक्ट किया है राघवा लोरेंस ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ में है कियारा आडवाणी और सलत केलकर। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते फिल्म की जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों, आपको याद हो तो अभी पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन रिलीज किया जाना है। तब आप में से कई लोगों ने कहा था कि नहीं भाई, लक्ष्मी बॉम्ब तो थिएटर में ही रिलीज हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज लक्ष्मी बॉम्ब की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये फिल्म ऑनलाइन ही रिलीज होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे रिलीज होने वाली है, जो कि डेट बताई जा रही है 15 अगस्त। तो दोस्तों, फिल्म के अनाउंसमेंट होने के साथ ही साथ इस फिल्म के 2 नए पोस्टर भी रिलीज कर दिए हैं और दोनों ही पोस्टर देखने में काफी खतरनाक है। जी हां दोस्तों, पहला पोस्टर हम देख सकते हैं, जिस पोस्टर में अक्षय कुमार लेडीज के रूप में है और उनके हाथ में एक बड़ी तलवार है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कालका मां की फोटो नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये वाला जो पोस्टर है ये शायद फिल्म के क्लाइमेक्स का होगा। जैसे कि हमने कंचना में देखा था कि क्लाइमेक्स में इस तरह का लुक लेते हैं राघवा सर, तो सेम टू सेम यही लुक अक्षय कुमार भी लेंगे और लक्ष्मी बॉम्ब के क्लाइमेक्स में वो इसी तरह हमें डराने वाले हैं। वही दोस्तों, दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ है, ये पोस्टर भी काफी धमाकेदार है। यहाँ पे इस पोस्टर में अक्षय कुमार के आंखें लाल है, एक बड़ा सा टीका लगा रखा है और उनके हाथ में है चूड़िया। तो दोस्तों, ये वाला शायद सीन वो होगा जब पहली बार अक्षय कुमार को पता चलता है कि उनके अंदर किसी की आत्मा है, जो कि हम देख चुके हैं कंचना सीरीज में। तो दोस्तों, फिल्म के जो दोनों पोस्टर है वो तो काफी आग लगाने वाले हैं और इन पोस्टर को देखकर तो लगता है कि काश यार ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देती। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, फिल्म ऑनलाइन रिलीज हो रही तो ऑनलाइन भी ये फिल्म काफी ज्यादा व्यूज में रिकॉर्ड बनाने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको ये दोनों पोस्टर कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूले कि क्या आपको भी लगता है कि लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करके सही किया या गलत। क्या आपको यूं लगता है कि इन फिल्मों को थिएटर में रिलीज करना था? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।